हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम रुचि है और आपका मेरे चैनल रुचि ट्रिपल थ्री में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैमरा पता नहीं क्या हो गया कैमरा को। तो आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोल दूँ कि मेरे चैनल पे आप सभी को ऐसे वीडियो स्लेट पेंसिल मिट्टी ये सब चीज़ों क्ले पॉट्स के रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी, जिस कि इसको कैसे छोड़ें और इसको खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, सारा कुछ एक बार मेरे चैनल पर जाकर विजिट करो। अगर आपको वीडियो सारे अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात, मैं इस चैनल पे आपके स्लेट पेंसिल खाने की या मिट्टी खाने या क्ले पॉट खाने की एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ। जो भी एक्सपीरियंस हुआ हो, ख़राब एक्सपीरियंस या अच्छा एक्सपीरियंस जो भी है, तो प्लीज़ कमेंट्स करना। मैं आपके सभी एक्सपीरियंस अपने सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करोगे ताकि लोग मोटिवेट होके अगर नुकसान हो रहे हैं तो उसको छोड़ दें, है ना। तो आपका थोड़ा सा योगदान हो जाएगा सभी के जिनको क्ले पॉट या मिट्टी या स्लेट पेंसिल खाने की आदत हो चुकी है, जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना, ठीक है। तो बात आती है ये कि आज का जो टॉपिक है वो है, कमेंट्स आया था मेरे पास, मैं बता देती हूँ, कमेंट्स आया था मेरे पास मेरे एक व्यूवर्स हैं उनका। वैसे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है ये, एक लोगों का मैं क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक लोगों का कमेंट्स नाम ले लेती हूँ और स्क्रीन पर लगा दूँगी जो भी है। प्रिया ब्लॉगर जी का है, मेरा फेस ख़राब हो गया है बहुत, अब ग्लो वापस लाने के लिए क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, हमारे फैमिली में शादी है पर फेस ख़राब हो गया है, ठीक है। तो अब ये सोच रहे होगे आपकी फेस के रिकॉर्डिंग क्यों बना रही है। तो एक्चुअली प्रिया जी का शायद ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्लेट पेंसिल मिट्टी या क्ले पॉट वगैरह जो अनहेल्दी चीज़ है या जो एडेबल नहीं है, मतलब खा नहीं सकते हैं, वो सब चीज़ें खाएंगे तो आपके फेस पे, आपके बाल पे, हर चीज़ पे असर करता है। सबसे पहले तो आपके फेस पे हार्मोन्स आपका, क्योंकि हार्मोन्स गड़बड़ होने लगता है, हार्मोन्स गड़बड़ होने लगेगा तो आपके कुछ कॉमन से वो है, मैं आपको बता देती हूँ कॉमन से प्रॉब्लम्स हैं जो आपको होंगे। इक्का दुक्का लोग होंगे जो उनके साथ नहीं होता है, बट मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, जैसे कि हेयर फॉल। पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, जब से मैं खाना चालू की थी मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए, बहुत लंबे बाल और हेल्दी बाल थे मेरे, लेकिन खाने के बाद बहुत ख़राब हो गए। आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। और हेयर फॉल होने लगेंगे, फेस पे आपके रोए, मतलब जो जैसे बाल उगने लगते हैं ना फेस पे, जो रोए होने लगते हैं, तो वो फेस से बहुत ज़्यादा फेस पे बाल उगने लगते हैं। और दूसरी बात कि फेस पे आपके दाने दाने बहुत होने लगते हैं। और तीसरा कि आपके दांत पे इफ़ेक्ट करने लगेगा, आपके दांत पहले से थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, जैसे कि पहले आपको गलने की प्रॉब्लम या दर्द वाला प्रॉब्लम नहीं होता होगा, लेकिन आप कुछ भी खाएंगे ठंडा गर्म कुछ भी तो आपको प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात कि आपको पीरियड्स में हार्मोन्स गड़बड़ होने लगेगा, अगर टाइम पे पीरियड्स आ रहे हैं तो आपको लेट या जल्दी होने लगेगा, मतलब पीरियड्स को भी आपको इनरेगुलर पीरियड आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी लिकोरिया की प्रॉब्लम, ये सब जैसे नॉर्मली बहुत सारे लोगों के साथ होने लगता है। और फेस डल होने लगेगा, फेस डल भी होने लगता है, रूखा रूखा सा होने लगेगा, मतलब फेस का जो क्वालिटी है ख़राब होने लगेगी। पहले आप नोटिस करना, जैसे बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं सही है, लेकिन आप जब खा रहे हो तब का फेस देखो और पहले का फेस का नोटिस करना कि पहले कैसा था और अब कैसा है। भले आपका ख़राब नहीं हुआ हो लेकिन पहले से थोड़ा ख़राब तो हो जाता है, ऐसा हो जाता है, और लोगों के साथ ऐसा होता है। आपके साथ नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उनके लिए वीडियो है। तो मेरे पास ऐसे कमेंट्स आया था, बहुत सारे लोगों के का कमेंट्स आया था, कि दो तीन लोगों का, तो जिसका सबसे ऊपर था उनका नाम मैंने कमेंट्स पढ़ दिया कि मेरे, मतलब अब मैं कैसे क्या करूँ कि जो है मेरे ये सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको स्लेट पेंसिल मिट्टी क्ले पॉट वगैरह जो भी खा रहे हैं आप, उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो देखिए ये सारी प्रॉब्लम जो भी मैंने बताया है, ये सारी प्रॉब्लम आपको ब्लड की कमी से हो जाता है, ब्लड और कैल्शियम की कमी से, आयरन कैल्शियम की कमी से हो जाता है, जिंक वगैरह बहुत सारी कमी है। मेरे चैनल पे डॉक्टर्स बताए हुए हैं, डॉक्टर्स से कई वीडियो हैं, आप जाके देखो ना, डॉक्टर्स बताए हुए एग्जैक्टली कौन कौन सी विटामिन्स की कमी होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप जाके देख लेना। तो ये सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं ये सब चीज़ की कमी से हो रही, तो अब ये सब चीज़ें कैसे आएगी कैसे मिलेगी,
तो सबसे पहले आपको स्लेट पेंसिल मिट्टी क्ले पॉट वगैरह जो भी खाते हैं ना उसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लड है ना वो ब्लड जब हम खाने लगते हैं सारी चीज़ें ना तो हमारा ब्लड बनना बंद हो जाता है। हमारे ब्लड को मतलब क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे, ब्लड कैसे बनता है? हमारा खाना हमारे फ्रूट्स हमारे सब्जियां के से बनते हैं। तो जब हम ये सब खाना कम कर देते हैं और ये सब खाना क्ले पॉट्स वगैरह खाना ज़्यादा कर देते हैं तो ये सब चीज़ को वो लगने नहीं देता है। जो ये क्ले पॉट्स वगैरह ना ये सब लगने नहीं देता। हमारे गाँव में कहना कहते हैं ना हमारे गांव में जो है मम्मी लोग सास लोग हैं मेरी कहती थी कि इसको मत खाओ ये हमारे खून को पानी बना देता है। तो क्या कहीं ना कहीं ये चीज़ सही होगा तभी तो वो बोलती हैं। तो खून के आपके आपको जितने भी खून है ना आपको पानी बना देगा। तो ये सब चीज़ पहले खाना बंद कर दीजिए आप, उसके बाद आप हेल्दी डाइट लेना चालू कर दीजिए जिसमें से मेन आपको बता दूँ टमेटोज लीजिए, एप्पल लीजिए, आंवला लीजिए, ये सारी चीज़ें लीजिए। च्यवनप्राश खाइए आप, रात में जरूर खाइए च्यवनप्राश एक चम्मच जरूर। अब ठंडी भी आ गई है ठंडी में खाना भी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ठीक है ये सब चीज़ें लीजिए। आप सोच रहे होगे कि मेरे से छोड़ा नहीं जाता मैं कैसे छोड़ूँ, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है आप जाके देख लेना मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको, ठीक है कि आपको छोड़ने में नहीं आप छोड़ पा रहे हो तो कैसे छोड़ोगे, मैंने इस पर वीडियो बनाई है। तो जब आप देख लेना आपको मैं बता दूँ छोड़ दो नहीं खाओगे एक हफ्ता 10 दिन 10-15 दिन 15 दिन नहीं खाओगे और 15 दिन ये सब चीज़ खाओ, ठीक है उसको छोड़ के एक बार आप ट्रायल कर लो अपने ऊपर, ट्रायल ही कर लो। ये सब एकदम बिल्कुल स्किप कर दो, जितने भी अनहेल्दी चीज़ है उसको स्किप कर दो और इसे खाना चालू कर दो। फ्रूट सब्जी वेजिटेबल वगैरह खाना, दूध पीना शुरू कर दो, ये सारी चीज़ें खाना शुरू कर दो ना तो आपका फेस। और आंवला आपने डाइट में ज़रूर लो, आंवले जैसे चटनी हो गई आंवला की और प्लस जैसे आंवला का अचार, मुरब्बा, जैम और च्यवनप्राश, अगर कुछ नहीं खा सको च्यवनप्राश तो अच्छा लगता है, च्यवनप्राश खा लो। ये सब चीज़ें डाइट में लो, डेली खाओ डेली। आपके फेस पे आपके हेयर पे और आपका जो पीरियड है 100% मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस है ये चीज़ का, मेरे साथ हुआ है मैं इसलिए बता रही हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आपको, मैं सही कह रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आप डेली एक सेव खाओ, सेव नहीं खा सकते इतनी बजट नहीं है कोई बात नहीं, मिडिल क्लास वाले के पास नहीं उतना हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो आप एक टमाटर ही खा लो या कुछ नहीं तो जो सब्जियां जो फ्रूट सस्ते हैं वो खा लो, लेकिन एक चीज़ खाओ जरूर, गाजर आ रहे हैं गाजर में भी बहुत सारे कैल्शियम आयरन होते हैं उसे खाओ, जूस बना के पी लो। तो ये सब चीज़ें जब खाओगे ना उसे छोड़ दोगे, लेकिन उसे छोड़ने के बाद है ऐसा नहीं कि उसको भी खा रहा हो उसे भी छोड़ रहे और उसे भी खा रहा हो और उसे भी खा रहा हो तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। स्लेट पेंसिल क्ले पॉट मिट्टी ये सब खाना बंद करके उसे खाना है, उसे स्लेट पेंसिल वगैरह हटा दो अपने घर से फेंक दो, उसकी वीडियो देखना बंद कर दो। क्योंकि वीडियो देखोगे तो जाहिर सी बात आपका मन करेगा 100%, मुझे पता है मन करेगा, मुझे भी होता है ऐसा, क्रेविंग होने लगती है, मुझे भी लगता है कि यदि मुझे मिल जाए खा लूँ कहीं से मिल जाए खा लूँ, लेकिन मैं अपने पास रखती नहीं हूँ क्योंकि मैं रखूँगी तो मुझे पता है कंट्रोल नहीं होगा, वो किसी के साथ नहीं होता कंट्रोल, कंट्रोल नहीं होगा और मैं खा लूँगी इसलिए मैं रखती नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं अपने बच्चे के बारे में अपने बच्ची के बारे में सोचने लगती, दूसरी बार अपने हस्बैंड के बारे में सोचने लगती। हम मेरे क्लास के लोग हैं यार, इतना पैसा नहीं है कि अगर कुछ इससे प्रॉब्लम हो जाएगा तो हम उसका इलाज करा सकें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो मतलब मेरे साथ शेयर किए हैं अपना एक्सपीरियंस, एक तो 9 साल से हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हैं अभी तक उनका ठीक नहीं हुआ, उनके घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम एकदम बिगड़ ही गई, मतलब फाइनेंशियल जो था ना वो बिगड़ ही गया। उनका स्टोरी मैंने डाला है आप देख लेना जरूर एक बार, शायद उसको देख कर आप छोड़ दो। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे एक्सपीरियंस है जिससे आपको प्रॉब्लम हुई है या फिर नहीं भी हुई है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, मैं आपके थ्रू आपका वीडियो मेरे थ्रू लोगों के पास जाएगा, बहुत सारे लोग मतलब आपके तक पहुंचेगा, जिससे वो अगर आपका वीडियो या आपका स्टोरी सुन के छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका छोड़ने का रीज़न आप बनोगे, है ना, तो आप बनोगे उनका छोड़ने का रीज़न। तो अच्छा ऐसा ऐसा करके आप अच्छा किसी की हेल्प कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर देना, ठीक है। तो स्लेट पेंसिल या मिट्टी खाने के बाद आपके फेस पे ग्लो नहीं आ रहा है, आपका फेस ख़राब हो गया है, हेयर ख़राब हो गया है, तो बस एक ही उपाय है मैंने आपको जो बताया है, हेल्दी डाइट लो। ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट्स के जूस लो, फ्रूट लो तभी, वेजिटेबल भी बहुत सारे ऐसे आते हैं, वेजिटेबल सूप लो डेली डेली की कुछ नहीं तो डेली में, लेकिन मिट्टी स्लेप हटा के ऐसा नहीं कि उसको भी खा रहा उसको भी लो तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि
क्योंकि वो तो आप खा ही रहो ना, आप खा रहे हो तो मिट्टी भी खा रहे हो, जो कि आप जो अच्छे चीज़ खा रहे हो उसको मिट्टी पानी बना दे रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो है मिट्टी, क्ले पॉट, चॉक, क्ले पेंसिल, मुल्तानी मिट्टी, ये सारे चीज़ हटा दो, मत खाओ, उसकी जगह पे आप अच्छी चीज़ खाना शुरू कर दो, जिससे कि आपकी फैमिली भी आपको देख के खुश होगी और आपके आस पड़ोस के लोग भी, मतलब जैसे कि बच्चे हैं, बच्चे भी आपको देख कर खाएंगे। तो ये सब चीज़ करो, आपके फेस पे ग्लो आएगा, आपके फेस पे जो पिंपल्स आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात हेयर फॉल जो हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे तुरंत इतना जल्दी हेयर फॉल बंद नहीं होता है, थोड़ा हेयर फॉल होता ही है, लेकिन अगर आप डाइट में अच्छे से आंवला वगैरह ले रहे हो ना, तो आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा। डेली 1 चम्मच मुरब्बा या जैम या फिर कुछ चम्पास वगैरह ले रहोगे, आपका सब ठीक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा अपने फेस को ग्लो करने में, और अपने फेस पे आप बहुत सारे मुल्तानी मिट्टी वगैरह जो खाते हो उसको ना खाकर फेस पे लगाओ, ठीक है, तो भी उससे भी ग्लो आता है फेस पे। बहुत सारे होम रेमेडीज़ हैं जो कि लगा सकते हो, घर की चीज़ें भी, और बाहर की कॉस्मेटिक चीज़ तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं बता नहीं सकती। मैं घर की चीज़ें जैसे कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा दही और नींबू बहुत सूट करता है, दही ले लेती हूँ मैं, खट्टी दही, उसमें नींबू का रस डाल के फेस पे लगा के छोड़ देती हूँ, या फिर कच्चा दूध लगा के छोड़ देती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा ही फायदा करता है, आप ये भी इसे यूज कर सकते हो। तो ये वीडियो हो गई बहुत लॉन्ग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को देती हूँ यहीं विराम, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताना, अच्छा लगा तो भी बताना, बुरा लगा तो भी बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप मेरे साथ बहुत लंबे समय तक बने रहे उसके लिए बहुत धन्यवाद।